जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के बयान से बाद घाटी की राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां वे भारत में धर्मों के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। आजाद ने कहा, बाहर से आए होंगे, कुछ मुगल सेना में थे। उन्होंने कहा, कुछ भाजपा नेता ने कहा कि कुछ मुसलमान बाहर से आए हैं और कुछ नहीं, कोई भी बाहर या अंदर से नहीं आया है। इस्लाम सिर्फ 1500 साल पहले अस्तित्व में आया था। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, उनमें से लगभग 10-20 मुसलमान हैं। उन्होंने कहा, भारत में अन्य सभी मुसलमानों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया। इसका एक उदाहरण कश्मीर में पाया जा सकता है। 600 साल पहले कश्मीर में मुसलमान कौन थे? सभी कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने इस्लाम अपना लिया, सभी इसी धर्म में पैदा हुए हैं। आजाद ने विभिन्न समुदायों का नाम लेते हुए कहा कि उन सभी ने भारत को अपना घर बनाया है। यह हमारा घर है, हम बाहर से नहीं आए हैं, हम इसी मिट्टी पर पैदा हुए हैं और इसी में नष्ट हो जाएंगे। आजाद ने कहा कि जब हिंदू मरते हैं तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उन्होंने कहा, उन्हें अलग अलग जगहों पर जलाया जाता है, उनकी राख को नदी में डाल दिया जाता है जो पानी में मिल जाती है और हम वह पानी पीते हैं। उन्होंने उसी प्रकार मुसलमानों का मांस और हड्डियां देश की मिट्टी का हिस्सा बन जाती हैं। वे भी इस भूमि का हिस्सा बन जाते हैं, उनका मांस भारत माता की मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों इस भूमि में विलीन हो जाते हैं, इसमें क्या अंतर है? इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता आजाद के विचारों से सहमत हुए और कहा कि आक्रमणकारियों द्वारा अन्य धर्मों को लाने से पहले लोग हिंदू धर्म का पालन करते थे। उन्होंने कहा, भारत में इस्लाम की शुरुआत के बारे में आजाद द्वारा दी गई समयरेखा सच है। गुप्ता ने आगे कहा कि कश्मीर के इतिहास से पर्दा उठाने पर यह भी पता चलेगा कि करीब 600 साल पहले कश्मीर में कोई मुस्लिम नहीं था और वहां हर कोई हिंदू था। हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आजाद पर कटाक्ष किया और कहा, मुझे नहीं पता कि वह समय में कितना पीछे चले गए और उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में क्या ज्ञान है। मैं उसे बहुत पीछे जाने की सलाह दूंगा और हो सकता है कि उसे वहां पूर्वजों में कुछ वानर मिल जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, मानवता को अन्य सभी विचारों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, चाहे वह धर्म हो, सीमाएं हो, राष्ट्रीयता हो या सभ्यता हो। लगभग 5 दशकों की सेवा के बाद कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद 26 सितंबर 2022 को आजाद ने अपनी खुद की राजनीतिक शाखा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी शुरू की। पूर्व कांग्रेस नेता अपने इस्तीफे के बाद से सबसे पुरानी पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस में राज्यसभा सांसद रहने के दौरान आजाद और मोदी के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी। आजाद मोदी समर्थक नेताओं की श्रेणी में रखे जाते हैं।